बोल तीज माता की जय। सावन को महीनो है और लोहड़ी तीज बाजा करे। सावन को महीना माने शुक्ल पक्ष की तीज आए इन लोहड़ी तीज के वे लोहड़ी तीज के अरे बहुत ही बड़ो महत्व है इरो, पर आप लोग समझा को नहीं आ तीज क्यों मनावे। इमें पार्वती जी तपस्या करी, हिमालय राज के घरे जन्म लियो, पार्वती जी तपस्या करी। ये मोटी कहानी है, मैं तुम्हारे सेंसम में क्यों क्यों इतना मोटो वीडियो दें भरीजे ने आप करने मारू हाँ भेजीजे ने आप इतनी देखने वास्ते आपने टेम है। शास्त्रा बातें पूरी अपना थोड़ी कर सका नहीं कर सका। तो हिमालय राज तपस्या करी, हिमालय राज तपस्या करी। नारद जी वांग गुरु है, हिमालय राज का गुरु नारद जी है। तो नारद जी रे कियो के हिमालय राज आज आप कुछ मांगो, आप उदास हो गए नहीं सा मैं उदास क्यों मार दो। सब बात आनंद मंगल है कि एक बात है कि कहीं के माँ पार्वती ने आप पुकार करो आप घरे उतार ले रहा है और दुनिया रो बाहर उतारे और सब दुनिया बहुत दुखी है जना क्यों भाई ठीक है। तपस्या करी तपस्या करी जन माँ प्रकट हुई, बहुत तपस्या करी जन प्रकट हुई। छे सब मैं क्यों हुआ बहुत मोटी बात है आवे मन है पर मैं कह नहीं सकूँ। माँ तपस्या करी जन प्रकट हुई, पूछो कहीं बात है कि भाई जीते वह माँ नहीं क्यों वरदान मांगो जीते बे देख बो करिया मारा दर्शन करिया एकदम यान रो रो खड़ा हो गया मारा कई रूप विराट रूप दिखाया माँ। तो आखिरी माँ ने माँ क्यों मैं राजी हूँ आप तब से हूँ मांगो आप क्यों जो क्यों माँ आप मारे आओ माँ आप मारा आओ जब माँ मार रूप में आया मार रूप में लियो उतार लियो मार रूप में जन क्यों मैं माँ को नहीं मांगी मारी तो कन्या रूप में आप माँ माँ क्या पुकारी मैंने मैंने कदी कौन किया आप मारे कन्या रूप में हो तो मैं कन्या रूप में हूँ आप माँ माँ करता मैं मारा रूप में दर्शन दे दिया तो वे माँ की आज मैं मन आवेजी में कहानी कह रही हूँ। तो माँ तपस्या करी माँ जल में आए ऋषि मुनि महात्मा आया है मारा दर्शन करिया है और तपस्या करी है बहुत ही बहुत तपस्या करी है। सत्संग में क्यों बेटा हो आमद कीजो कि माथा ना आवे को नहीं मैंने सगली भगवान कृपा भोलानाथ की गोवर्धननाथ भगवान की पर मैं सत्संग में क्यों मैं कह कौन सकूँ मैं भी ये तो थोड़ी सी सांस में तकलीफ है इतनी मैं बात आपने बता भी कौन सकूँ मैं आपने संसद में कहूँ। तो माँ तपस्या करी जना शिवजी पर पावन वास्ते तपस्या करी माँ तो करे तपस्या कि शिवजी ने पर पाऊँ। अरे नारद जी आया है कि विष्णु भगवान भेजो संदेश हो कि हेमाचल राजा ने को जो थारी कन्या मने पर ना देवे हेमाचल राजा ने को जो कन्या मने पर ना दे पार्वती जी लागे ठा पड़ी पार्वती जी ने पार्वती जी कियो कि पिताजी बर पर नहीं तो शिव पर नहीं तो रहूँगा कंवारी जन्म जन्म में जन्म लेऊँ मरूँ जन्मूँ पर मैं शिव भर मांगू मैं दूजा साथ शादी नहीं करूँ। पाचो संदेशों दिला दियो कि भाई वह तो शिव रे साथ ही शादी करी तंग साथ शादी नहीं करे। तो बहुत बहुत माँ तपस्या करिए आ तीज क्यों मनाई आप आ तीज क्यों मनाया तीज के दिन नोरतारी चेत का नोरतारी नम्रो तो माँ को जन्म है चेत का चेतला नोरता हुए आप चेतला जी नमी रो दिन तो माँ को जन्म हुआ है माँ दुर्गा रो जन्म हुआ है। और इरो छोटी तीज सावन की छोटी तीज रो मतलब कहीं है सावन की छोटी तीज रो माँ तपस्या कर ली पूरी सभी मतलब ऋषि मुनि भेजा शिवजी गया सगला ही गया जानी रो मना रहा देखा तपस्या खरी है खोटी तो माँ सफल निकल गई तपस्या माँ सफल निकल गई। अब आज हेमाचल राजा घरे आनंद उचावे क्या को है आज मार भले सगे गिणो चाहे माँ तपस्या कर घरे आई गिणो अपने लोहड़ी तीज के दिन माँ घरे पधारिया तो सगली नगरी रमा ने बाजा बाज रिया है नगरी सज रही है जिसे रामचंद्र जी आया अयोध्या सजी जी अपने हेमाचल राजा नगरी सज रही है। छोटा मोटा बच्चा लुगया मोटियार सभी नया कपड़ा पहरिया है आनंद मंगल मना रिया है घर घर में मिठाई बन रही है घर घर में घर सज रिया है दीप माल हो रही है पुष्पारी माला पहरीज रही है और सड़क पर पुष्प छिड़कीज रिया है अंतर छिड़कीज रिया है मारी जय जयकार हो रही है। क्यों आज माँ तपस्या कर घरे आ रही है आज माँ तपस्या कर और घरे आ रही है आज हेमंत राजा की पुत्री तपस्या कर माँ घरे आ रही है। जगत जननी जगदम्बा अपाणी बा अपन संसार की सारी सृष्टि की माता है बा आज तपस्या कर और घरे आ रही है। ब
माँ घरे आई है, घरे आई है तो गाजा बाजाऊँ, नाच कूद गाना बजाना और आनंद उछाओ, मिठाइयाँ पुसवे, धन दौलत बांटना करना सब आया। अब शिव भगवान कहीं गिरियो है, शिव भगवान ने भेजा है आपरा गणा ने, भागत भे गणी है, गणा ने भेजा है, कहीं देर भेजा है, सगला कोटार खोल दिया, सागर खोल दिया, कुबेर खोल दिया और जगह के धन दौलत माया जगह कोटार खोल दिया आपरा, माली आप बढ़िया खोल दी कि फल फूल लियाओ मार वास्ते, सभी फल फूल थाल से जाए हैं और मिठाई थाल से जाए और गेड़ा गाटा थाल से जाए, हीरा मोती माणक मोतिया थाल से जाए और कपड़ा लता का थाल से जाए और मारे वास्ते सारी नगरी आनंद उछाम हो रही है, आनंद उछाम हो रही है। आज माँ घरे आ रही है, कौन आ रही है? अपना की माँ पार्वती घरे आ रही है। क्या के दिन आई है? ये लोड़ी चीज के दिन घर आई है, माँ पार्वती लोड़ी चीज ने घर आई है, ये वास्ता भाई लोड़ी चीज ने मना रिया आइए माँ घरे, माँ घरे आई जना खूब आनंद उछा हुआ है। अब हेमाचल राजा घर में मिलन ने जगह नहीं रही पदार्थ, अपा क्या भोला नाथ कन काई है बेल है, माँ पार्वती मोसा दिया तांगन काई है, ते तो सीखे ने माकन खाबो नित आग ददूरा चाबो है, थन तन पर नहीं है गाबो, थंग भूत पिला दिया गेल, भोला शिव जी मैंने किने पर नीचता, तो माँ पार्वती तू तपस्या घनी करी है, चलो तू भोला शरी जो भर पाइए, भोला तपस्या करिए थन नहीं पड़नी जाए, और कोई सुंदर लुगी देख कौन पड़नी जा, इंद्र की फेरी देख कौन पड़नी जा, कोई रूप दूरी देख कौन पड़नी जा, शिव जी पड़नी जाए तो थने माँ पार्वती थन नहीं पड़नी जाए, और शिव और पार्वती को अमर अकर जोड़ो है, अमर जोड़ो है, महादेव महादेव को पार्वतारो अजर अमर जोड़ो है, तो अजर अमर जोड़े वास्ते कहीं करना चाहिए आपने, अपन यान करना चाहिए कि माँ पार्वती री और भोला शिव की पूजा करनी चाहिए, संजोड़ो पूजा करो तो चांगो स्वाग भाग अमर रही, स्वाग भाग अमर रही और माँ मनोकामना पानी पूर्ण करी, माँ मनोकामना पूर्ण करी तो अपन कोई बात की कमी नहीं रहे, तो सावन को महीना ये वास्ते है शिव जी पार्वती यूँ प्यारो है, आज तपस्या कर पड़ी माँ सावन का महीना में तपस्या करी, माँ सावन का महीना में तपस्या करी, निंगोट रेट तपस्या करी, भूखी प्यासी रेट तपस्या करी, कंदराम जार माँ तपस्या करी, विष्णु भगवान किए ना कि मैंने पढ़नी जो बीटे में माँ बस जगह छोड़ दी, दूसरी जगह वहाँ पर सेलिन ले जाए, दूसरी जगह कंदराम बेट पड़ी, अरे माँ तपस्या करिए, तपस्या करी बहुत भारी तपस्या करी माँ, चल तो शिव जी ने आई मन में क्या तो मैं नहीं पढ़नी जी, चल शिव जी लोग जा अरदास करिए कि महाराज अब आप पढ़ने जाओ और माने राक्षस लोग माने अत्याचार कर रिया माने डुबो रिया है तो माने बचाओ, तो माँ और शिव जी अपने सृष्टि बचाने वास्ते शादी करिए और भोलानाथ और माँ पार्वती कोई दूजा नहीं है, कोई दूर नहीं है, ए साक साक परमात्मा है, साक साक ईश्वर है, साक साक परमपिता परमात्मा है, एक धरती और आकाश शिव और पार्वती एक है, एक है, तो आनी पूजा करनी आने मनावना ये वास्ते अपनी आ बनाइए लोड़ी चीज, लोड़ी चीज यही बात बनाइए, बोल भोलानाथ पार्वती माता की जय। धोरारी धरोहर रा वीडियो आगे भी देखने के वास्ते ई वीडियो ने लाइक करजो, चैनल ने सब्सक्राइब करजो और बेल आइकन रो बटन दबावनो मत भूलीजो। राम राम सा।